बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने आतंकवादियों की तरह निहत्ते और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने हाईवे पर दनादन फायरिंग से खौफ का माहौल बना दिया। उनके सामने जो आया उसी को गोली मार दी। इस फायरिंग में एक बेकसूर चंदन नाम के शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, लेकिन पूरे कांड के दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आई। आप जानकर हैरान होंगे कि फायरिंग करते हुए अपराधी 3 थानों की सीमा में घुसे, निहत्ते लोगों को गोली मारी और आराम से निकल गए। बीच में पुलिस की पेट्रोलिंग तो छोड़ दीजिए, एक जवान तक नजर नहीं आया। बेगूसराय मल्लीपुर से तेगड़ा तक कोई पुलिस पिकेट नहीं था, कोई पेट्रोलिंग पार्टी नहीं थी। इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बेगूसराय सदर, बरौनी और तेगड़ा 3 थाना क्षेत्रों को पार किया, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। पुलिस का एक जवान तक सड़क पर नजर नहीं आया। जाहिर है कि इसके बाद पुलिस पर सवाल उठेंगे। अपराधियों ने ये फायरिंग सिर्फ निहत्ते लोगों पर ही नहीं की, बल्कि राज्य में सुशासन पर भी की है। उधर इस वारदात के बाद बीजेपी कोटे के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन रात 12:15 बजे सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बेगूसराय में उद्योग लगाने के लिए वह प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां तो ऐसे गोलियों की बौछार हो रही है जैसे पंजाब और कश्मीर में आतंकवादी करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।